मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। 28 जुलाई से आरंभ हो चुकी है भविष्यवाणियों की हमारी नई वेब सीरीज, जो कि आधारित है महाराष्ट्र के महान संत श्री दत्ता अवधूत की भविष्यवाणियों पर। अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक अगम्य वाणी में उन्होंने सन 1998 से लेकर 3000 तक के समय की ऐसी अचूक गणना की है जिसे देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे इसराइल के आसमान में जब एक तारा चमकेगा तब उस महान अवतार का धरती पर अवतरण होगा, जिसकी प्रतीक्षा कलयुग का मनुष्य पिछले कई हजार वर्षों से कर रहा है। इसी महाअवतार के प्रकट होते ही सारे संसार में योग का ज्ञान फैलेगा और मनुष्य को वह सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रदान की जाएगी। इसी कालखंड में मनुष्य के पास वह दिव्य ज्ञान होगा जिसके आधार पर वह गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा और धरती पर चलने के लिए उसे धरती पर पांव रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह बिना पांव रखे ही चल सकेगा। इतना ही नहीं, मनुष्य विज्ञान में इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वह चंद्रमा की किरणों से झरने वाले अमृत तत्व को एकत्र करके अमृत का भी निर्माण कर लेगा जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो सकता है। अब आगे की भविष्यवाणी की कथा का विस्तार करते हैं। स्वामी श्री दत्ता अवधूत कहते हैं कि मनुष्य को कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और पूरी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। वो बताते हैं कि आने वाले समय में मनुष्य को मृत्यु के बाद उच्च लोकों तक पहुंचने का मार्ग भी पता चल जाएगा और इस विधि से वह मरने के बाद होने वाली यात्रा भी स्वयं करेगा। इसका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य के द्वारा वे सारे के सारे रहस्य खुलते जाएंगे जो अभी तक गुप्त हैं, क्योंकि अभी तो मनुष्य मृत्यु के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया है। वह मृत्यु के बारे में बस इतना ही जानता है कि सभी कोशिकाएं जब मृत हो जाती हैं तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जब मनुष्य को मृत्यु के बारे में ठीक से ज्ञान ही नहीं है तो फिर ऐसे में मृत्यु के बाद का मार्ग कैसे तय किया जाएगा, ये जानकारी उसे कैसे मिलेगी। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए मृत्यु कोई रहस्यवादी अवधारणा नहीं रहेगी, बल्कि वह इसे एक सामान्य घटना मानने लगेगा। जैसे मशीन बिगड़ जाती है और चलना बंद कर देती है तो मनुष्य दूसरी मशीन से कार्य आरंभ कर देता है, प्रसन्न मन से दूसरी मशीन खरीद करके घर लाता है, वह पुरानी मशीन से भावनात्मक तौर पर जुड़ा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से आगामी समय में मनुष्य मृत्यु होने पर शोकाकुल नहीं होगा और मृत्यु के प्रति जो भय उसके मन में अभी है उससे भी वह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य सूक्ष्म शरीर से लंबी लंबी यात्राएं भी करने लगेगा और वह तीन आयामों से परे संसार को भी समझने लगेगा। आने वाले समय में युद्ध की अवधारणा भी समाप्त हो जाएगी और संघर्ष किसे कहते हैं ये आने वाले समय में लोगों को पता ही नहीं होगा। वो ये भी नहीं जानते होंगे कि शरीर में रोग और दर्द भी होता है। एक देश का नहीं बल्कि एक संसार की परिकल्पना आने वाले समय में साकार होने जा रही है। स्वामी दत्तावधूत ये भी कहते हैं कि मनुष्य पारे को ईंधन के विकल्प के तौर पर प्रयोग करने लगेगा। वो बता रहे हैं कि हिमालय, उत्तरी ध्रुव, सह्याद्री पर्वतमाला, श्रीशैलम, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहाँ योगी और ऋषि लाखों वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनकी कृपा से समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मानव जाति को ज्ञान इन्हीं सिद्ध संतों के द्वारा दिया जाएगा। यही ऋषि मुनि संसार को चलाने का नियम भी बताते हैं और उसका पालन भी कराते हैं। उच्च स्तर की आध्यात्मिक आत्माएँ भी इन ऋषियों की सहायता करती हैं। इसी कालखंड में मनुष्य आत्माओं से नहीं बल्कि स्वर्ग के देवताओं से भी वार्तालाप करना आरंभ कर देगा। उसे ये पता चल जाएगा कि स्वर्ग में देवतागण क्या क्या कार्य कर रहे हैं। देवताओं को भी मनुष्यों के संसार के संपर्क में रहना अच्छा लगेगा। वो बताते हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी पर जलवायु परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। तब तक गर्म जलवायु बाद में ठंडी जलवायु में परिवर्तित हो जाएगी। इसी के साथ वर्तमान में जो गर्म माने जाने वाले क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी होने लगेगी। सामान्य तौर पर ठंडी जलवायु बनी रहेगी और तापमान काफ़ी कम रहेगा। तो इस तरह से आने वाले समय में धरती पर सदैव हुई आनंद का वातावरण छाया रहेगा। बाद में धीरे धीरे संत महात्मा जो इस हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं उनका आगमन आम लोगों के बीच होने लगेगा
और इस तरह से भारत की ये भूमि आनंदित और उल्लासित वातावरण के लिए सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाएगी। आने वाले समय में सेना और पुलिस सशस्त्र बल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अपराध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। ईश्वर की कृपा से सोना धातु इतनी प्रचुर मात्रा में धरती से निकाली जाएगी कि सोने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा और मनुष्य सोने के बर्तनों में भोजन करना आरंभ कर देगा। यहाँ तक कि मुद्राएं भी सोने की होंगी और चांदी के भाव तो इतने गिरेंगे कि उसे कोई पूछेगा तक नहीं। आने वाले 2500 से लेकर 2700 के कालखंड में मनुष्य न सिर्फ भौतिक प्रगति में बहुत आगे निकल चुका होगा, बल्कि आध्यात्म के शिखर पर वह निरंतर चढ़ता जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो चुकी होगी कि उसके ऊपर ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव भी पड़ना बंद हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर बिल्कुल शून्य है, इसीलिए उस पर प्रकृति से लेकर ग्रह नक्षत्र सभी हावी रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठेगा, इस सब का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। स्वर्ग से देवता धरती पर भ्रमण करने आएंगे और मनुष्य उन्हीं से अपने जीवन के लिए परामर्श मांगेगा। देवताओं को भी मनुष्य के संसार में पधारकर अच्छा लगेगा और धीरे धीरे मनुष्य को देवताओं द्वारा एक परिवार की भावना से देखा जाने लगेगा। पृथ्वी पर एक दिव्य और शांत आनंदमय वातावरण व्याप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य हवा में तो उड़ान भी भरना सीख ही जाएगा, साथ ही साथ उसकी भोजन पानी से संबंधित दैनिक आवश्यकताएं भी समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य जिस भी वस्तु की इच्छा कर लेगा, वह वस्तु उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि मनुष्य का संपर्क देवताओं के संसार से भी हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए मनुष्य की आध्यात्मिक स्तर पर उसको अपना निर्धारण करना होगा। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बिल्कुल ऊंचे स्तर का होगा, वह जल देवता से संपर्क स्थापित कर पाएगा। अगर उससे नीचे का स्तर होगा तो वह अग्नि देवता से संपर्क स्थापित कर सकेगा। इससे भी निचला स्तर होने पर वह वायु और आकाश देवता से वार्तालाप कर पाएगा। इन्हीं देवताओं से उसे ये भी ज्ञान मिलेगा कि किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय हैं। ये सारा ज्ञान देवताओं द्वारा प्रकट किया जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर लेगा कि वह हवा, पानी या आग से भी वस्तुओं का निर्माण करना सीख जाएगा। वह एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने में सक्षम होगा। जैसे वो चाहे तो कोयला या मिट्टी को सोने में भी बदल सकता है। इतनी शक्ति प्राप्त होने के बाद प्रत्येक मनुष्य समान स्तर पर योगी बन चुके होंगे और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्तर तक भी पहुंचने वाले होंगे। मनुष्य के लिए तब तक कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी शक्तियां प्राप्त कर चुके मनुष्य की शारीरिक संरचना क्या आज के जैसी भौतिक शारीरिक संरचना के समान होगी, तो ऐसा नहीं है। आने वाले समय में मनुष्य के शरीर की संरचना मांस और हड्डी से बनी नहीं होगी, बल्कि वह वायु तत्वों से निर्मित होगा। मनुष्य के शरीर से एक चिंगारी निकलेगी जो सदैव चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कि मनुष्य जब चाहे अपने शरीर का निर्माण कर ले और जब चाहे उसका विघटन कर ले। यानी अगर उसे किसी दूसरे स्थान पर जाना हो तो गंतव्य पर प्रस्थान करने से पूर्व मनुष्य अपने शरीर को विघटित कर लेगा और गंतव्य आने पर अपने शरीर का पुनः निर्माण कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर में बड़े आकार और अधिक स्थान घेरने वाली फाइलों को कंप्रेस फाइल में परिवर्तित कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने शरीर को कंप्रेस करना आ जाएगा और इस कंप्रेस शरीर को वह अपने साथ लेकर यात्रा कर सकेगा। मनुष्य जब चाहे अपना रूप बदल सकता है, जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता है। इस कालखंड में मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से प्राणियों का निर्माण करेगा। वह अग्नि, वायु या आकाश से मनुष्य का निर्माण कर सकता है। वह ज्ञान, शक्ति और शांति का सागर बन गया होगा। अर्थात मनुष्य को अपने शिशु को अब जन्म देना नहीं होगा, वरन वह अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से ही अपनी संतान का निर्माण कर लेगा। तब संतान उत्पत्ति करने के लिए यौन संबंधों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मनुष्य के शरीर में जो भी देवी देवता विद्यमान होंगे, उनके स्पष्ट रूप से तब दर्शन भी किए जा सकेंगे। इन देवी देवताओं को दूसरे मनुष्यों द्वारा देखा भी जा सकेगा। इस समय मनुष्य की क्षमता इतनी बढ़ चुकी होगी कि वह कुछ साधारण से जप के द्वारा बड़े से बड़े देवता को भी अपने सामने प्रकट कर सकेगा। मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताएँ
अग्नि, जल, वायु और आकाश के माध्यम से ही पूरी हो जाएंगी और यहाँ तक कि वह इन्हीं तत्वों से अपनी आवश्यकताओं की दैनिक वस्तुओं का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। लेकिन वे इतना प्रगति करने वाले मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य की एक छोटी सी त्रुटि के कारण पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा उलट जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की सकारात्मक भविष्यवाणियों की इस सीरीज के अंक में बस इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि जब संसार समाप्ति होने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि संसार अब बस आज और कल में समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब ना करें। हमारा तो ये मानना है कि जब तक संसार समाप्त नहीं होगा तब तक हम अपना कार्य और कर्म करते रहेंगे। जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसके बाद न हमसे कोई प्रश्न करने वाला रहेगा, न हमें उत्तर देने की आवश्यकता होगी। और जहाँ तक स्वामी श्री दत्ता अवधूत ने जिन तरह की भविष्यवाणियों के बारे में बताया है, हमें लगता है संभवतः अभी तक संसार में कोई भी भविष्यवेत्ता इस तरह की भविष्यवाणी नहीं दे पाया है। आने वाले समय का इतना सकारात्मक और इतना मूल्यवान वर्णन हमें तो नहीं लगता है कि भारत के अलावा कहीं किसी और भविष्य दृष्टा को इस तरह के ज्ञान के बारे में कोई जानकारी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस समय मनुष्य की भूख प्यास की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, यानी जो अनाज का उत्पादन हम अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए करते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आप समझ लीजिए, अगर पेट की ही आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो फिर सारे अपराध अपने आप समाप्त ही हो जाएंगे। तो बने रहिए, अभी इस सीरीज़ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगा कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। हो सकता है ये सारी चीज़ें हम एक जन्म में ना देख पाएँ, किंतु हो सकता है हमारे अनेक जन्म हों और अनेक जन्मों में इन भविष्यवाणियों को हम सत्य होते हुए देखें। तो बने रहें, देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।